अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2017 को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए जो कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में रखा है, उस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम सभी आज बहुत ही पवित्रता के साथ, एकाग्रता के साथ, तन्मयता और पूरी निष्ठा के साथ योग के संध्याकालीन सत्र में उपस्थित हैं। आप सभी भाई बहनों को मैं डॉक्टर ब्रजमोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए वैदिक मंत्रों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए अपनी अपनी आँखों को बंद करिए, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ पवित्र ओम का उच्चारण। कमर दर्द से लेकर के मेरुदंड की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने की पूरी क्षमता इन पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में सीधा बैठ के सतु आइए। हम पेट के बल लेट जाते हैं बहुत बहुत ऐसे पेट के बल लेट जाना है सभी को, और दोनों हथेली को ठुड्डी के नीचे लगाना है, बहुत अच्छा, और दोनों हथेली को गाल पे से लगा लेना है, और सांस इसका नाम है मकरासन। क्या नाम है इसका? मकरासन। ये कमर दर्द के लिए विश्व प्रसिद्ध अभ्यास है। अब सांस भरते हुए एक एक पैरों को नितंब की तरफ ले जाना है, जैसे दाहिने पैर को सांस भरते हुए उठाएंगे और एड़ी को नितंब में सटाने का प्रयास, फिर सांसों को छोड़ते हुए सीधा, फिर बाएं पैर को सांस भरते हुए और छोड़ते हुए, ये 5-5 बार कर लीजिए धीरे धीरे। आराम लग रहा है छोटू? आप मुस्कुराते हुए, खेल खेल में योग, सांस भरते हुए एक एक पैरों को मोड़ना है। अब दोनों पैरों को फैलाते हैं, दूरी करते हैं दोनों एड़ियों में। अब दोनों पैरों को एक साथ सांस भरते हुए यहाँ सटा करके और नितंब में सटाना, यही अभ्यास 5 बार। धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम पूर्वक। इसका नाम है मकरासन। क्या नाम है इसका? मकरासन के 2 अभ्यास हो गए, पहला हम एक एक पैर से किए और दूसरा दोनों पैरों को एक साथ किया। अब दूसरा अभ्यास, दोनों हथेली को यहाँ सीने के पास रखते हैं और केवनी को साइड में लगाते हैं और ठुड्डी को जमीन पर रखते हैं, और धीरे धीरे सांस भरते हुए हम गर्दन को आगे से उठाएंगे इतना तक। इसका नाम है भुजंगासन का 1 अभ्यास। थोड़ा रुकेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए वापस
फिर सांस भरते हुए इसमें दोनों पैरों को सटा लेते हैं पीछे से। बहुत अच्छा अभ्यास, उतना नहीं उठना है। हाँ इतना ही। ये आपका केहुनी जमीन से करीब 7-8 इंच की ऊंचाई पर हो और नाभि आपका जमीन में सटा हुआ हो। तो आइए एक बार और करते हैं। धीरे धीरे बात बात। ये कौन सा आसन हुआ? भुजंग आसन। भुजंग माना मतलब होता है सर्प, स्नेक। अब दूसरा इसका अभ्यास है, बाएं हथेली को नीचे, दाएं को उसके ऊपर, सुधी को रख दिया उस पर। अब सांस भरते हुए पूरा उठेंगे। कमर दर्द के लिए करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, और चाहते हैं कि मोटापा कम हो, पेट की चर्बी कम हो जाए, तो इसे तेजी से करेंगे। ऐसे तेजी से करने से फैट कम होगा, और धीरे धीरे करेंगे तो कमर दर्द ठीक हो जाएगा। अब इसमें एक अगला अभ्यास है, तिर्यक भुजंगासन। धीरे धीरे उठाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ से घुमा लेंगे। गर्दन को दाहिने तरफ से, राइट साइड से घुमाकर अपने कमर को या पीठ को देखने का प्रयास करिए, यानी अड़ी को। फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस, फिर सांस को भरते हुए गर्दन उठाइए और बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से गर्दन घुमाकर अपने आंखों से नितंब को, पीठ को या अपने एड़ी को देखने का प्रयास करना है। बहुत अच्छा भैया। फिर धीरे धीरे वापस आ गए। अब हमें अभी हम लोग किए कौन कौन से आसन? पहला किए मकर आसन, दूसरा किए भुजंग आसन। तो दोनों में दो दो अभ्यास किए, वो मैं लिखवा दूंगा। फिर हम लेट आते हैं ना पीठ के बल। हाँ जोई ला देते हैं। हाँ पहले जोई ले, पहले जोई। और इसका पहले एक बार देख लेते हैं। इसमें सांस को भर के दोनों घुटना सटा हुआ है और ये जमीन पे रखते हैं ऐसे। हाँ गर्दन बाई तरफ और आपका घुटना दाई तरफ, सांस भरा हुआ। फिर सांस को छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरे और सांस को भर के पैर बाई तरफ और गर्दन दाई तरफ हो रहा है। ये बहुत बढ़िया और सर्व सुलभ आसन है कमर दर्द के लिए। बहुत अच्छा। ये दो दो बार कर लीजिए। बहुत अच्छा भैया। अब दोनों पैरों में दूरी कर देते हैं, फैला देते हैं दोनों घुटने में दूरी, 1.5 से 2 फीट का। बहुत अच्छा। पहले दाहिने पैर को जमीन पर गिरा देते हैं, एक बार ऐसे रख दिया। फिर बाएं पैर का जो घुटना है दाएं पैर के, एक बार देख लीजिए आप। पहले दाहिने पैर को जमीन पर रख देते हैं और बायां पैर का घुटना दाएं पैर के एड़ी पे रखते हैं इस प्रकार, और गर्दन बाई तरफ। फिर यही अभ्यास दूसरे तरफ से भी करते हैं। हाँ कितना काम।